आपके साथ। सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन के बेसमेंट की बंद पड़ी अलमारी में 2,31,00,000 रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने नकदी और सोना जब्त कर लिया है। योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अलमारी में रखे ट्रॉली सूटकेस में 2,000 से 500 के नोट थे। इतनी बड़ी तादाद में नकदी और सोना किसने रखा, इसकी जांच की जा रही है। योजना भवन में आईटी विभाग, जन आधार प्राधिकरण जैसे संवेदनशील विभागों के दफ्तर है। सरकारी विभाग की अलमारी से करोड़ों की नकदी और सोना मिलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों के साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। शुक्रवार को घटना के बाद देर रात 11 बजे सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं इस केस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यूआईईडी से जुड़ा एक अफसर इस घटनाक्रम में शक के दायरे में है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।